ढोलों वाला शौक आपकी एंट्री होती है यहाँ पे। आप देख रहे होगे एक साथ बल्क में इतनी सारी प्लेटें लग रही है बल्ले की, भाई भीड़ इतनी ज्यादा है ना। देख चीज, देख चीज, चीज पुलिंग देखो, ये देखो सर घूम रहा है, वो सही में घूम रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल भाटिया व्लॉग्स। कैसे दोस्तों सारे? तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया भाई दिल्ली एनसीआर के सबसे बेस्ट फार्म हाउस पे, जो कि है रंगमंच फार्म हाउस। भाई आपको सबको पता है दिल्ली एनसीआर के सबसे बेस्ट जो फार्म हाउस है वो रंगमंच ही है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, टिकट हमने ले ही ली है। भाई आज आपको बता देता हूँ, भाई वीकेंड है, वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। ग्रुप्स आते हैं, स्कूल के कॉलेज के ग्रुप आते हैं, फैमिलीज़ वगैरह बहुत सारी आती है आज यहाँ पे, और भीड़ तो आपने देख ली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कितनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ मिलेगी, कितना आपको फूड मिलेगा और क्या टिकट प्राइस यहाँ पे आपके होने वाले हैं। टिकट प्राइस की बात कर लेते हैं तो 800 टिकट प्राइस जो यहाँ का है वो 1400 रुपये की टिकट मिलती है भाई। और अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी डील्स आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारी कंपनीज जो डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती है तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आके लेते हो रंगमंच फार्म हाउस से तो आपको 1400 रुपये की टिकट मिलने वाली है। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों सुबह की जो टाइमिंग रहती है डे वाली वो सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक रहती है, और शाम की जो टाइमिंग है रात की वो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रहती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फूड यहाँ पे मिलने वाला है, कितनी एक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है। भैया अभी हम खड़े हैं रंगमंच की पार्किंग में, आप आज पार्किंग देखो दोस्तों, सैटरडे संडे मतलब वीकेंड पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, अब गाड़ियों से अंदाजा लगा सकते हो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हमको अंदर मिलने वाली है। भाई सामने रंगमंच का गेट आ चुका है, देख लो पार्किंग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको गेट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अंदर, और टिकट का प्राइस का एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे मिला टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। ये यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, जो डे आउटिंग है वो 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक रहती है शाम को। और इसमें आपको देखो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ब्रेकफास्ट, लंच, एडवेंचर एक्टिविटीज़, 40+ मील्स, 80+ एक्टिविटीज़। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके आप स्कूल वगैरह के लिए जैसे ग्रुप में आते हो तो उसके लिए काफ़ी डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो वो कर सकते हो आप। और जो इसका एड्रेस है वो रंगमंच फार्म्स, गढ़ी बुढ़ेरा रोड, गुड़गांव में। और जो इवनिंग की टाइमिंग है वो है 4 बजे से रात को 10 बजे तक। ये देखिए इसमें भी 40+ मील्स, 80+ एक्टिविटीज़ मिलेगी आपको। चलिए अंदर चलते हैं। ढोलों वाला शौक आपकी एंट्री होती है यहाँ पे, उसके पास आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कहाँ पे आपको जाना है। इधर चलते हैं अब, ये है स्नैक्स काउंटर सीधा जाके। भाई यहाँ पे हम 2 बार आ चुके हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और इसका खाना बहुत है ना, बहुत मस्त खाना है यहाँ का। सबसे पहले भाई मिलता है आपको चाट काउंटर, ये दही बल्ले बना रहे हैं, देखो आज तो एक साथ कई प्लेट बना रहे हैं ना। आप देख रहे होगे एक साथ बल्क में इतनी सारी प्लेटें लग रही है बल्ले की, भाई भीड़ इतनी ज्यादा है ना। भाई सबसे पहले आते के साथ आपको चाट काउंटर मिलता है, वहाँ पे दही बल्ले, भेलपूरी, गोलगप्पे सब कुछ मिलते हैं आपको। तो टेस्ट करवाते हैं भाई से, भतीजे से टेस्ट करवाते हैं। ओ कैसा है, कैसा टेस्ट लगा, कैसा लगा बता तुम्हें? ज्यादा मत खिलाइए इसको, मजा आ गया इनको, पसंद आया इसको, मजा आ गया इसको, ये भाई खाता नहीं है, हम भी खा ले भाई। कैसा टेस्ट है भाई? भाई यहाँ का टेस्ट अलग ही होता है, अलग ही होता है भाई यहाँ का, कमी नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते भाई। भाई एक बार आओगे ना, ट्राई करोगे, पता चल जाएगा। आप दिल्ली एनसीआर के जितने भी फार्म हाउस घूम जाना, इसके जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे बेस्ट फार्म हाउस है भाई ये। बेटी नहीं, ज्यादा नहीं खाना है नहीं। इसको देखो कितना मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है इसको। भाई इधर चाट काउंटर के बाद आपको मिलना है यहाँ पे पिज़्ज़ा कॉर्नर, आज हम भी लाइन में खड़े हुए हैं भाई। भाई भीड़ इतनी है क्या करे, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ रखी है। इनका जो टाइमिंग है 5:30 बजे तक लास्ट है, देखो इधर का एरिया पूरा खाली हो चुका है ना। उसके बाद जो 4 बजे आते हैं उनकी भीड़ जो रहती है वो रहती है, 4 बजे वाली कम रहती है, कम स्कूल वगैरह रहते हैं, शाम को सुबह वाली सबसे ज़्यादा होती है। तो भाई पिज़्ज़ा खाते हैं, बताएंगे आपको टेस्ट कैसा है। वैसे टेस्ट बताने की जरूरत तो नहीं है भाई, रंगमंच का टेस्ट तो भाई अलग ही है। भाई पिज़्ज़ा आ चुका है अपना, ये देखो भाई इसकी टॉपिंग्स देखो, चीज़ कितनी मस्त लग रही है यहाँ पर देखने में। और पिज़्ज़ा खा के देखते हैं भाई
टेस्ट कैसा है? वैसे तो मैंने खा ही लिया, कभी का सूट पाया था, जब दोबारा खा रहे हैं। लाजवाब टेस्ट है भाई बिल्कुल। चाट काउंटर के बाद आपको पिज्जा काउंटर मिलता है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, हम इसे साइड में आ गए थे यहाँ पे। ये देख चीज़, देख चीज़, चीज़ पुलिंग देखो, ये देखो चीज़ भाई, जबरदस्त मज़ा आ गया। जैन जयंत क्या कर रहा है? भाई 6 बजे देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, 6 भी प्रॉपर बजे नहीं है अभी। अभी हम आए पीछे एक्टिविटीज़ देखने के लिए, काफ़ी स्कूल के बच्चे सारे जा चुके हैं और यहाँ पे आपको ये एक्टिविटीज़ मिलती है जो फौजी वाली एक्टिविटी बताते। देखो ये रोप वाली एक्टिविटी होती है, आपको बांध देंगे उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। इधर होती है जिपलाइन, अभी भाभी कर रही है जिपलाइन। ये देखो ये आ गई भाभी जी। अंधेरा काफी हो चुका भाई। मम्मा गई। ये भाई मेरे सामने आपको दिख रहा है, ये रोप कोर्स है। ये आपको मतलब अच्छी तरह बेल्ट से टाई करके बांध देंगे और आपको ये जो आप दिख रहे हो ना, ये आपको कोर्स है एक तरीके के, पूरे करने पड़ते हैं। जैसे एक फौजियों वाली एक्टिविटी बोल सकते हो आप इनको, ये अलग अलग तरीके के कोर्स है। ये देखो इधर आपको रस्सी से निकलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको टैरों से निकलना पड़ेगा यहाँ से, और फिर ऐसे घूम के मतलब पूरा लंबा है और ऊपर भी इसी तरीके से है। तो ये आपको कोर्स पूरा करना पड़ता है। ये एक ही में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ है यहाँ पे। उधर कोटपुतली से होता रहता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। इधर मैजिक शो हो रहा है। सब गायब कर दी। ये वाली रह गई है आगरा घूमने के लिए जाएगी। चलो तुम आगरा चले जाओ, 1 2 3 चली जाओ आगरा। मोर राइट 1 2 3 अगर आपका हुक्म हो जाए तो वापिस बुला ले। नहीं मत बुलाओ। ये आ गई हैदराबाद से घूम के, ये आ रही है आगरा देख के, और ये आ गई जयपुर से। ये देखो भाई ये बड़े वाला झूला है, बड़े और क्या बोले हैं, झूला 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 ही बोलते हैं इसको भाई। ये देखो साइकिल खड़ी। हाँ हमने तो कभी साइकिल देखी नहीं है। नहीं तुमने देखी साइकिल, हम तो जहाज में आते हैं। ये भाई जोरबिंग है यहाँ पे भाई। इस जोरबिंग के कपिल करने के ना तेरे पता नहीं निकल गए थे, हम 600 रुपये 500 रुपये मांग रहे थे ना, और यहाँ पे भाई टिकट के साथ निकल उड़े, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगना। देखो जोरबिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे, बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है। बच्चों को इसके अंदर छोड़ दो, काफ़ी मज़ा आता है घूमने में। ये देखो वाटर जोरबिंग होती है, नैनीताल में बहुत ज़्यादा देखी थी हमने भाई। क्या करेगा भाई अब जोरबिंग? हेलो बोलो। ओए बैलून जाएगा, बैलून में ले भाई जैसे चला गया जोरबिंग करने के लिए। और कोई जाएगा? नहीं नहीं बस। ओ ये भाई बैलून भी चला गया जोरबिंग करने के लिए। घुमाओ इसको, इसको घुमाओ, आगे की तरफ चलो, घूमेगा ये। हाँ ऐसे खूब पलटा दिया। डर रहा है, डर रहा है भाई जयंत। पूरा घुमा था एक बार। अच्छा बैठ जा, आराम से बैठ जा। तो डर गया भाई अभी। इधर जॉबिंग के बाद आपको मिलता है नॉकआउट। ये देखो नॉकआउट यहाँ पे चालू हो चुका है, ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसके ऊपर से नहीं मारना। चलो अब जब मार जाओ, अब हट जाओ, ये गिराएगा नहीं तो।
ये भाई नॉकआउट में भी बच्चे इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, और बड़े भी कर सकते हैं इसको नॉकआउट को, बच्चों भी यहाँ पे कर सकते हैं, मिक्की माउस वाली फील दे सकते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आउटडोर्स गेम्स जो है मैंने आपको बताए थे वो सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं यहाँ से और आपको अभी स्नैक्स वगैरह दिखाते हैं और कैमल राइड और स्लाइड और काफ़ी सारी यहाँ पे राइड्स हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं आगे चल के। और यहाँ पे डिनर भी होता है वो भी इसमें टिकट के साथ इंक्लूड होता है, वो भी आप यहाँ पे पूरा करके जा सकते हो भाई। जो रात वाली टाइमिंग है दोस्तों इवनिंग वाली, वो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रहती है। बाद यहाँ पे आपके सामने मिलती है कैमल हॉर्स राइड, ट्रैक्टर राइड, मड बाथ और ट्यूबल बाथ, मिनी जू। तो ये देखो ट्रेडिशनल ड्रेस भी आप यहाँ पे पहन के फोटोज खिंचवा सकते हो, मतलब हर चीज़ का एंजॉयमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे राजस्थानी डांस चल रहा है, पोइट्री सेशन भी यहीं पर था, मेहंदी भी लगवा सकते हो आप यहाँ पे। अभी फिलहाल चलते हैं कैमल राइड की ओर, कैमल हॉर्स राइड, ट्रैक्टर राइड, मड बाथ, मिनी जू, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। ये देखो हॉर्स यहाँ पे होती है हॉर्स राइड, और उधर आपको मिलेगी यहाँ पे कैमल राइड। तो और कैमल राइड करेगा तू, कैमल राइड करेगा? अच्छा चाचू बुला ले, चाचू बुला ले, ओए चाचू आ जाओ, चाचू आ जाओ, आ जाओ, हेलो कर दे, हेलो हाय कर दे, हाय हाय कर दे, हाय हाय कर दे, आ जाओ सीधा ही कर रहा, आ जाओ। अरे किस पे बैठेगा? कैमल पे। जयंत कैमल राइड कर रहा है, कैमल राइड कर रहा है जी भाई। जब मैं जयंत पहली बार, जयंत पहली बार कैमल राइड कर रहा भाई। अब हम हेलो भाई कैमल पे, चलो ये कर रहा है कैमल राइड। अब कपल की फैमिली देखिए बेटा कितना मजा, वो ट्रैक्टर मिल गया, ट्रैक्टर खुश हो गया, ट्रैक्टर के नाम से तो वो ट्रैक्टर राइड करवाते हैं जयंत को, खुश हो गए रहे हो? ट्रैक्टर का इसने पता है सारा, पता है ट्रैक्टर राइड करते हैं यहाँ पे। लो भाई चल गया ट्रैक्टर, भैया अभी हमने आपको दिखाई हॉर्स राइड, कैमल राइड, ट्रैक्टर राइड, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो आप। और चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मड बाथ और मिनी जू, जो यहाँ पे जू बना रखा है छोटा सा वो दिखाता हूँ। अभी अंधेरा काफ़ी हो चुका है यार, अभी लाइट लगा के अपना चला रहे काम। तो यहाँ पे आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लेडीज़ का अलग की तरफ है, दूसरी तरफ है, और जेंट्स का दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे है जेंट्स का, यहाँ पे आप मड बाथ कर सकते हो। ये जू है भाई, यहाँ पे छोटा सा मुर्गा, छोटा सा बनाया हुआ है जू। ये सामने है मुर्गा, देखो ये मुर्गा यहाँ पे, ये शत्रु मुर्गा यहाँ पे, इधर आ जा, ये तो बड़ा भाई शत्रु मुर्गा, तो बड़ा भाई देखो काफ़ी बड़ा है शत्रु मुर्गा, वही बड़े बड़े मुर्गे भी हैं। ये देखो ये ब्लैक कलर का मुर्गा यहाँ पे काला, और ये शतरमुर्ग देखो भाई, शतरमुर्ग काफ़ी बड़ा है, इधर वाइट मुर्गा बड़े वाला, ये एक शतरमुर्ग तो ये रहा यहाँ पे, एक शतरमुर्ग ये रहा। आप दिन में आओगे ना आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, अगर आपको अलग इन्जॉय करना तो आप रात को आओ, अगर आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी है भाई फुल इन्जॉय करना है तो आप दिन में भी आ सकते हो, वैसे तो रात को भी बेस्ट है दिन में भी बेस्ट है। ये खरगोश है यहाँ पे देखो। तो दोस्तों ये था यहाँ पे छोटा सा, इसमें मिनी जू जिसमें आपको शतुरमुर्ग, मुर्गा और भाई इसमें आपको खरगोश देखने के लिए मिल जाता है, और कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ तो है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, एक छोटा सा जू बनाया हुआ है यहाँ पे जो ताकि बच्चे वगैरह इन्जॉय कर सके यहाँ पे। बाकी ट्रैक्टर राइड वगैरह आपको मिल जाएगी, कैमल राइड मिल जाएगी, हॉर्स राइड मिल जाएगी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो ये ट्रैक्टर राइड यहाँ पे है, ट्रैक्टर राइड यहाँ पे कर सकते हो आप, मड बाथ कर सकते हो इस एरिया में। बाकी इसके जो दूसरा एरिया है उसमें आपको स्काई साइकिल, जोरबिंग और भाई नॉकआउट, काफ़ी सारी राइड्स आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाएगी। तो भाई इस फार्म हाउस, तो दोस्तों इस फार्म हाउस में आप आ सकते हो, रिकमेंडेड जगह है, काफ़ी बेस्ट फार्म हाउस है ये लग रहा, दिल्ली NCR का सबसे बेस्ट फार्म हाउस ये लगता है मेरे को। तो बाकी दोस्तों आप भी कई बार कहीं गए होंगे अलग अलग फार्म हाउस में, तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये रंगमंच फार्म हाउस कैसा लगता है। तो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं स्नैक्स काउंटर पे, स्नैक्स काउंटर पे स्नैक्स शुरू हो चुके हैं, तो स्नैक्स में देखते हैं अब क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई स्नैक्स लग चुका है, स्नैक्स लेते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा स्नैक्स में। इधर जलेबी मिलती है भाई,
ये सब कुछ आपको टिकट के साथ इंक्लूड मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगता एक्स्ट्रा इसका। इधर भाई ढोकला थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, दो बंदे आराम से खा सकते भाजी। इधर पाव भाजी मिलती है, ये पाव भाजी है भाई। आगे मिलता आपको पास्ता, वाइट सॉस पास्ता और रेड पास्ता। ये क्या है इसमें? ये चटनी रखी हुई है, ये डोसा है आगे, ये डोसे की चटनी है यहाँ पे, ये सारी, ये कोकोनट चटनी है, ये मीन चटनी है, ये टमाटर की चटनी है। इधर मिलता आपको डोसा और इधर है सांभर और इधर है वड़ा, वड़ा और चिल्ली पनीर आपको मिल जाता है यहाँ पे। ये सांभर है देखो दोस्तों, ये वड़ा है, ये चिल्ली पनीर है और जो चिकन, ये पनीर टिक्का है और मशरूम। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, ये चिल्ली पनीर है और इधर ये मशरूम है और ये है पनीर टिक्का। और इधर आपको मिलता है डोसा, ये डोसा ले सकते हो। और ये है कबाब और चिल्ली चिकन, जो नॉन वेज खाना चाहता है, जो नॉन वेज खाना चाहता है वो नॉन वेज भी यहाँ पे खा सकता है। ये देखो कबाब है और ये चिल्ली चिकन है। तुम तो भाई वेजिटेरियन है प्योर, तुमने ये वेज लिया है सारा। चलिए तो चलते हैं और खाते हैं और खाना बताते हैं आपको टेस्ट करके कैसा है। तो भाई हमने छोटा छोटा खाना स्नैक्स हमने थोड़ा थोड़ा सारा डाल लिया है। ये चिल्ली पनीर है, ये मशरूम है, ये पनीर टिक्का, ये ढोकला, ये पास्ता, ये भाई आपको मिल जाता है यहाँ पे पाव भाजी और ये जलेबी। थोड़ा थोड़ा हमने ट्राई कर ले लिया है, अभी ट्राई करते हैं खा के देखते हैं कैसा खाना है। कपिल बताएगा टेस्ट करके। तो कपिल अभी ट्राई कर रहा है जलेबी। कैसे बताओ? भाजी के अंदर डिप हो गई थी, नमकीन और मीठा दोनों मिक्स टेस्ट आ रहे हैं। नमकीन और मीठा दोनों टेस्ट आ रहे हैं भाई। जलेबी का टेस्ट काफ़ी मस्त है, हर चीज़ काफ़ी मस्त है भाई। इनकी तारीफ करनी बनती है भाई, आप कभी आओगे ना तो तारीफ करते रह जाओगे। आप भी एक बार ट्राई जरूर करना, जरूर बनता है यहाँ पे। ये भाई चिल्ली पनीर खा रहा है कपिल। हाँ भाई कैसा चिल्ली पनीर? और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, जो नॉन वेज के शौकीन है वो नॉन वेज भी खा सकते हैं, जैसे कि कबाब और चिल्ली चिकन और डोसा भी मिलता है, डोसा भी खा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्नैक्स मेरी फेवरेट है भाई, मशरूम। मशरूम कपिल की फेवरेट है भाई। ओ भाई मजा आ गया, जबरदस्त। और भाई स्नैक्स के बाद यहाँ पे आपको खाना मिलता है, जो कि यहाँ पे खाना मिल जाएगा आपको डिनर। तो भाई फिनिश करते हैं फटाफट से और उसके बाद डिनर की तैयारी हो रही है, देख रहे हो यार यहीं पे डिनर लगेगा। हाँ यहीं पे डिनर लगता है भाई, देखो ये डिनर की तैयारी हो रही है यहीं पे, मतलब 7 बजे होता है और 8-8:30 बजे मतलब 8:30-9 बजे तक डिनर चालू हो जाता है। तो चलिए फिलहाल स्नैक्स खा लेते हैं, उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों फेट पूजा फिलहाल अपनी हो चुकी है भाई। स्नैक्स मतलब जो होता है टाइमिंग वो होता है 7 बजे से लेके 8-8:30 बजे तक रहता है। उसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पे हेड मसाज करवा सकते हो, सामने ये बुल राइड है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सामने आप देख रहे होंगे। इधर आपको बोलते हैं आर्चरी, ये डार्ट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे करने के लिए, जो आप यहाँ पे कर सकते हो डार्ट्स। डार्ट्स के बाद यहाँ पे मिलती है आपको रिंग्स, जो कि इसमें डालनी होती है, ये भी इंडोर गेम्स यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे आर्चरी, ये आर्चरी है भाई सामने, जहाँ पे आप निशानेबाजी कर सकते हो। ये देखो सामने ये तीर कमान यहाँ पे रखे हुए भाई, ये इल्यूजन रूम है भाई, जैसे आप आओगे उसको ऑन कर देंगे। 3D ग्रेविटी एडवेंचर ऑन, ये इल्यूजन रूम है भाई। इसमें ऐसा लगता है चक्कर आते हैं इसमें। ओह सर घूम रहा है, ओह सही में घूम रहा है, ये देखो भाई वो पूरा घूम गया भाई इसमें, भाई सर घूमता है। अरे ओए ओ मैं सही में गिर जाऊंगा, जल्दी जल्दी। ये भाई बुल राइड है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक ये वो गेम है जो आपको ये पार करना होता है, ये देखो जैसे ये भिड़ जाएगा तो आप आउट, इस पर आराम से पार करना होता है। जैसे लाइट चल जाएगी, जैसे भिड़ा वैसी लाइट चल जाएगी। और अंदर की तरफ हो रहा है इंडोर गेम्स, वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो कैरम हो रहा है पीछे,
ये पोल है, ये पोल इसमें खेल सकते हो आप, यहाँ पे खेलेगा, ये भी है। कोई स्नैक्स खा के, इंडोर गेम्स दिखा के हम आ चुके हैं स्काई साइकिलिंग करने। यहाँ पे करते हैं स्काई साइकिलिंग, और देखो ये पूरी सेफ्टी सर करवाई जाती है, बेल्ट वगैरह पहनाते हैं, और ये भी ऊपर से बंदी हुई होती है, देखो ये कुछ गिरने का डर नहीं रहता कि। तो चलिए अब स्काई साइकिल करते हैं। पूरी सेफ्टी के साथ बेस्ट है भाई, तो भाई स्काई साइकिलिंग कर रहे हैं, ये देखो भाई डर लग रहा है ना। अब पता क्या होगा, जब बीच में जाऊंगा ना जोर पड़ेगा पैर पे, पहले स्पीड बना ले यार भाई, पूरा जोर पड़ता है इस पे। ओ ये ओ ओ जल्दी आ गया, जल्दी आ गया। तो फिलहाल दोस्तों स्काई साइकिल भी हमने कर लिया है आखिर, काफी मजा आ गया भाई, और आप भी ये कर सकते हो यहाँ पे, काफी मजा आ जाएगा आपको करके। स्काई साइकिल होती है ऊपर, और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई ये सब कुछ जो आपके एक्टिविटीज़ दिखा रहे हो और खाना वगैरह दिखा रहे हो, ये सब टिकट में इंक्लूड होता है क्या? हाँ दोस्तों, ये सब कुछ टिकट में ही इंक्लूड होता है, जितने भी आपको एक्टिविटीज़ दिखाई, जितने भी आपको खाना पीना दिखाया है, ये सब टिकट्स में इंक्लूड होता है, सिवाय एक चीज़ को, पान को छोड़ के, बाकी सारी चीज़ें आपको टिकट के साथ ही इंक्लूड मिलती है। इसमें 80 प्लस एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए मिल जाएगी, और 40 प्लस फूड्स आपको खाने के लिए मिल जाएगा। भाई डिनर लग चुका है, यहाँ पर आपको सैलड मिल जाएंगी, इधर आपको बूंदी रायता मिल जाएगा, अचार मिल जाएगा, और फ्रूट रायता मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिलेंगे पुलाव, मटर पुलाव, इधर आपको मिल जाएगी दाल तड़का और दाल मखनी, ये दाल तड़का है, ये दाल मखनी है, इधर आपको मिलती है प्याज दो, पनीर दो प्याजा और पनीर भुर्जी, इधर आपको पापड़ मिलते हैं, इधर आपको शिमला आलू मिलते हैं, और इधर गार्लिक सॉस मिलती है, वेज गार्लिक सॉस है, इधर आपको वेज नूडल्स मिलते हैं। ये सारा दोस्तों जितना भी खाना मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब टिकट के साथ इंक्लूड होता है। ये आपको ब्रेड्स मिलते हैं, इंडियन ब्रेड्स, नान और रोटी, और इधर आपको गुलाब जामुन मिलते हैं, इधर आपको साबूदाना की खीर मिलती है। ये जितना भी खाना दोस्तों मैंने दिखाया है, सब कुछ आप अनलिमिटेड खा सकते हो, टिकट के साथ, प्राइस के साथ इंक्लूड होता है। तो चलिए खाना खाते हैं और बताते हैं आपको रोस्ट कैसा है। डिनर लेके हम आ चुके हैं, डिनर लेके आए भाई वेज पुलाव, नूडल्स, रायता, गुलाब जामुन, और सैलड लिया है, पनीर भुर्जी, ये पनीर रोटी है, ये पनीर दो प्याजा और दाल मखनी। खाना खाते हैं और बताते हैं आपको रेस्ट का कैसा है, और ये बताएगा खाना कैसा है। नूडल खाते हैं भाई, सबसे पहले नूडल इनका ट्राई करना है मुझे। ओहो एक मिनट एक मिनट, ये ऐसी लग रही है मंचूरियन की ग्रेवी भी होती है वो वाली, बिल्कुल फीलिंग आ रही है इसमें, मंचूरियन की ग्रेवी जैसी फीलिंग आ रही है। पनीर भुर्जी भाई, मेरे मुहारा पानी है वो, मगर मेरे मुहारा पानी है वो। गाना खा लेते हैं भाई पहले, फिर मिलते हैं आपसे। पास्ता थोड़ा ठंडा हो गया है, ठंड कितनी हो रही है, ठंड कितनी हो रही है, पनीर दो प्याजा, ठंड कितनी हो रही है भाई, ठंड तो भाई ये पनीर दो प्याजा मस्त पाओगे, पक्की बात है, पक्की बात है, मस्त पाएंगे, बढ़िया है। ये दाल मखनी खाऊंगा भाई, भाई मैं तो वीडियो पकड़ा रखी है, पानी यार मुँह में। चलो भाई खाना खा लेते हैं। कैसा है भाई, मस्त है ना? दाल मखनी खाइए, इनकी दाल मखनी खा दे, क्या मस्त है। सही में बहुत बढ़िया है, तो दोस्तों हम फिलहाल डिनर भी कर चुके हैं, आपने देखा था भाई डिनर में भी कितना सारा आइटम्स यहाँ पे मिलता है खाना खाने के लिए। तो ये जो दोस्तों जितना भी खाना हमने दिखाया है ना, ये सब कुछ टिकट के साथ इंक्लूड होता है, और जितनी भी मैंने आपको एक्टिविटीज़ दिखाई थी सारी टिकट के साथ इंक्लूड होती है, ओनली 1400 रुपये में। बाकी यहाँ पे आप आओगे तो 1400 की टिकट मिलेगी। मैंने जैसे कि आपको बताया था पीछे वीडियो में, अगर आप कुछ गूगल पर सर्च करते हो कि डिस्काउंट कैसे लिया जाए, तो वहाँ पर काफ़ी सारी भाई वेबसाइट्स है जो डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती है, तो वहाँ से जाके आप डिस्काउंट्स ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों सबसे बेस्ट फार्म हाउस है ये, जो भी दिल्ली एनसीआर में मतलब जाना चाहता है, फार्म हाउस घूमना चाहता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो माधवगढ़ फार्म हाउस है, सूरजगढ़ फार्म हाउस है, और भी काफ़ी सारे फार्म हाउस है, लेकिन सबसे बेस्ट फार्म हाउस मेरे को ये लगता है, उसका खाने की क्वालिटी भाई सबसे जेन्युइन लगती है मेरे को। आप भी आओगे तो आप भी ज़रूर बोलोगे कि हाँ भाई सबसे बेस्ट फार्म हाउस यही है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अभी
और फिलहाल 9 बज चुके हैं। खाने का जो टाइमिंग होती है वो 8:30 के बाद खाना चालू कर देते हैं डिनर का है। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपने देखी है, 40 प्लस यहाँ पे फूड है खाना खाने के लिए और 80 प्लस एक्टिविटीज़ है इंजॉय करने के लिए। तो यार पूरा दिन निकल जाता है, कब पूरा दिन निकल जाता पता नहीं चलता, तो आप ज़रूर आ सकते हो यहाँ पे। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर पे, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।